नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम भोजपुरी हलचल में। इस प्रोग्राम में हम आपको रूबरू करवाते हैं इंडस्ट्री और स्टारों से जुड़ी कुछ हलचल भरी खबरों से, जो लेकर एक बार फिर से हम आपके लिए हाजिर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जान लेते हैं पहली खबर जो जुड़ी है निरहुआ की फिल्म से। निरहुआ आप लोग जानते होंगे इन दिनों नेपाल में अपनी फिल्म शेर हिंदुस्तान की शूटिंग में व्यस्त है, लेकिन अब इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही कम्प्लीट होने वाली है और इसके बाद निरहुआ, काजल राघवानी और आम्रपाली दुबे तीनों मिलकर करेंगे एक फिल्म की शूटिंग जिसका नाम है लल्लू की लैला। जी हाँ, सुनने में आया है एक लंबे इंतजार के बाद इस फिल्म की शूटिंग जल्दी शुरू होने वाली है जिसमें तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। निरहुआ के साथ काजल राघवानी एक लंबे समय के बाद पर्दे पर नजर आएंगी। इससे पहले दोनों ने एक साथ और फिल्म साइन की थी, बलम जी लव यू, जिसमें निरहुआ टाइम की कमी के चलते काम नहीं कर पाए। खेसारी हैं इस फिल्म में काजल के साथ, लेकिन लल्लू की लैला में आपको काजल राघवानी और आम्रपाली ही निरहुआ के साथ नजर आएंगे। इससे पहले भी दो तीनों की केमिस्ट्री को पसंद किया गया है, तो हम इस फिल्म की शूटिंग से ही जुड़ी एक खास खबर आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी इंडस्ट्री के तीन बड़े स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ उनकी फिल्मी हमसफर आम्रपाली दुबे के अलावा काजल राघवानी इन तीनों के साथ की फिल्म लल्लू की लैला की शूटिंग की शुरुआत बहुत जल्द होने जा रही है, जिसकी जानकारी देते हुए रत्नाकर ने अपने इंस्टा पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग को लगाया। वैसे इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी भव्य तरीके से करने की तैयारी की जा रही है, जैसे कि इस फिल्म के मुहूर्त को भी काफ़ी धूमधाम के साथ किया गया था, जहाँ पर निरहुआ आम्रपाली को शुभकामनाएँ देने के लिए खुद पवन सिंह भी पहुंचे थे। और खबरों के अनुसार इस फिल्म में काजल राघवानी भी है, लेकिन ना ही फिल्म के मुहूर्त में और काजल राघवानी शामिल हुई और ना ही काजल की तरफ से इस तरह की कोई खबर सामने आई है। वैसे भी ये फिल्म की अगर कहानी की बात की जाए तो फिल्म के टाइटल से ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म भोजपुरी की एक बेस्ट कॉमेडी फिल्मों में से एक होगी। साथ ही इस फिल्म में निरहुआ, आम्रपाली, काजल जैसे कलाकार की वजह से इस फिल्म को देखने का मज़ा और भी बढ़ जाएगा। आज बनारस के आनंद मंदिर में कल्लू की फिल्म आवारा बलम रिलीज हो रही है। हमेशा बनारस के आनंद मंदिर में भोजपुरी फिल्मों को आता प्यार मिलता है। इससे पहले निरहुआ की फिल्म रिलीज हुई थी, निरहुआ हिंदुस्तानी 2, जिसे बहुत सारा प्यार मिला था। निरहुआ की हमेशा फिल्म के लिए इस सिनेमाघर को बहुत लकी साबित माना जाता है, क्योंकि इस फिल्म तक आते आते निरहुआ की फिल्म बहुत अच्छा कलेक्शन कर लेती है और इस सिनेमाघर से ही निरहुआ की फिल्मों का अच्छा, सबसे अच्छा और खास कलेक्शन होता है। तो आज कल्लू के लिए कितना लकी साबित होगा बनारस का आनंद मंदिर सिनेमाघर, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कल्लू की फिल्म आवारा बलम अभी तक लगी हुई है और दुल्हन गंगा पार के फिल्म खेसारी की फिल्म के साथ इस फिल्म का भी 50वां दिन पूरा होने जा रहा है और अभी तक इस फिल्म को बहुत प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। तो हम कल्लू की इसी फिल्म से जुड़ी एक खास खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए। भोजपुरी सिनेमा का कुछ समय का दौर की अगर बात करें तो भोजपुरी सिनेमा घरों में एक साथ कुछ ऐसी बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं जिसके बाद दर्शकों को ये तय कर पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है कि पहले वो कौन सी फिल्म देखें। जैसे कि कुछ समय पहले खेसारी लाल यादव की सालों से इंतजार हो रही फिल्म दुल्हन गंगा पार की रिलीज हुई, जिस फिल्म में खेसारी के साथ काजल राघवानी और खेसारी की रियल बेटी कृति भी मुख्य भूमिका में थी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो उसी दिन भोजपुरी के सबसे छोटे एक्टर अरविंद अकेला कल्लू के साथ गार्गी पंडित उर्फ प्रियंका पंडित की फिल्म आवारा बलम रिलीज हुई, जिस फिल्म को भी दर्शकों की तरफ से खूब प्यार मिला। लेकिन अब उस फिल्म के रिलीज होने के लगभग एक महीने बाद कल्लू की फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है कि फिल्म आवारा बलम का पहला दिन चारों शो का जो टोटल कमाई हुआ था वो था सिर्फ 28,788 रुपये। जी हाँ, जो कि हमारी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा कम था, क्योंकि उस फिल्म को सीधी टक्कर खेसारी लाल यादव की सुपरहिट फिल्म दुल्हन गंगा पार से की थी, यानी कि कहीं ना कहीं कल्लू की फिल्म खेसारी की फिल्म से पीछे होती गई। कुछ दिनों पहले कुछ आरजेस द्वारा बनाए गए गाने बहुत फेमस हुए थे, सोनू तोहरा हमरा पे भरोसा का ही नहीं खे, और अलग अलग भाषाओं में इस गाने को गाया था कई आरजेस ने। लेकिन फिलहाल खेसारी और काजल ने भी इस गाने पर एक परफॉर्मेंस दी थी उस समय पे जिस समय ये गाना बहुत चलन में हुआ करता था, और वही वीडियो अब सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल और उस वीडियो को दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं। भोजपुरी वर्जन में सोनू के नाम पर ठुमके लगाते खेसारी और काजल की ये स्टेज परफॉर्मेंस दर्शकों को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि यूट्यूब पर इसे बहुत बार देखा गया। तो हम इन दोनों के इस देसी अंदाज से ही जुड़ी एक खास खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए। भोजपुरी इंडस्ट्री की बेहतरीन जोड़ी खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है।
जी हाँ, भोजपुरी सिनेमा के सितारे कई बार ऐसी शानदार परफॉर्मेंस दे जाते हैं कि मजा दुगना हो जाता है। ऐसा ही कुछ काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के साथ भी है। खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी संघर्ष फिल्म में नजर आएगी, लेकिन इससे पहले ही उनके स्टेज शो का एक वीडियो वायरल हुआ है। खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी ने सोनू हमरा पर भरोसा का ही नेखे पर परफॉर्मेंस किया और इस पर वे जमकर डांस करने लगे। लेकिन खास बात यह है कि काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के पंगे लेती नजर आ रहे हैं। खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जुगलबंदी वैसे भी सुपरहिट रहती है। ये वीडियो वैसे तो पिछले साल का है, लेकिन इसी से फिर से खूब देखा जा रहा है। जी हाँ, ये गाना छठ के मौके का था, जब मौके पर दिनेश लाल यादव निरहुआ भी मौजूद थे और निरहुआ खेसारी काजल की परफॉर्मेंस को दर्शकों के बीच बैठकर देखा जा गया। ये गाना वाकई काफी कमाल है और परफॉर्मेंस तो और भी धमाल की रही। सपना खेसारी एक बार बिहार में स्टेज शो कर चुके हैं और अब दोबारा से ये लोग नरेला में 21 जुलाई को दिल्ली में एक साथ स्टेज शेयर करने जा रहे हैं। इसकी खबर तो आप तक पहुंच ही गई होगी, लेकिन इस स्टेज शो में एक और चीज़ खास होने वाली है और वो खास चीज़ ये है कि सपना चौधरी के अलावा इस स्टेज शो में 3 साल बाद अक्षरा सिंह भी नजर आएंगी। जी हाँ, 3 साल से खेसारी अक्षरा ने एक साथ कोई स्टेज शो नहीं किया है और एक बार फिर से आपको ये जोड़ी स्टेज पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि 21 जुलाई को खेसारी सपना के अलावा अक्षरा को भी निमंत्रण दिया गया है। इस बीच में कितने ऐसे मौके आए जब खेसारी और काजल को एक साथ स्टेज पर निमंत्रण दिया गया, लेकिन किसी कारणवश दोनों में से किसी एक ने आने पर सहमति नहीं जताई और वो लोग नहीं आए। लेकिन क्या इस स्टेज शो में अक्षरा सिंह आ पाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल सपना और खेसारी के स्टेज शो पर भी लोगों की नजरें हैं और दोनों को दर्शक एक साथ जरूर देखना चाहते हैं, ये बात तो तय है। फिलहाल सपना चौधरी का प्रमोशनल सॉन्ग बहुत तहलका मचाए हुए है, बैरी कंगना 2 फिल्म का। 2 दिन में, 2 वीक में मिलियन से ज़्यादा लोग इस गाने को देख चुके हैं। तो हम लेकर आए हैं सपना खेसारी के इसी स्टेज से जुड़ी एक खास जानकारी, देखिए। 21 जुलाई 2018 को भोजपुरी इंटरनेशनल अवार्ड शो का आयोजन मलेशिया में किया गया है, जहां पर भोजपुरी के तमाम बड़े सितारे एक साथ एक मंच पर नजर आने वाले हैं और खबरों की माने तो करीबन 3 साल बाद एक बार एक मंच पर अक्षरा सिंह के साथ खेसारी लाल यादव भी नजर आएंगे, ऐसी खबरें सामने आने लगी है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कि अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच कई बार सोशल मीडिया पर खबरें फैली हैं कि अक्षरा और खेसारी लाल यादव के बीच काफ़ी नोकझोंक और मनमुटाव चल रहा है, लेकिन हम अपनी तरफ से इस खबर पर कोई भी पुष्टि नहीं करते, क्योंकि अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों की तरफ से इस तरह का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। लेकिन इस खबर को सुनने के बाद तो अब दर्शकों के बीच 21 जुलाई का इंतज़ार और भी बढ़ गया होगा, जब भोजपुरी सितारे एक साथ भोजपुरी रंग में पूरे मलेशिया को रंगते नजर आएंगे। 13 जुलाई को कल्लू की फिल्म आवारा बलम का पहला दिन, चार शो में इस फिल्म का टोटल बिजनेस 28 लाख का रहा, जो फिल्म मेकर्स की उम्मीद से थोड़ा था। लेकिन सोचिए, भोजपुरी फिल्म के लिए पहले दिन 28 लाख बहुत ज़्यादा बात है, और क्योंकि इस फिल्म का सीधा टक्कर खेसारी लाल की सुपरहिट फिल्म दुल्हन गंगा पार से भी था। और आप लोग जानते होंगे कि खेसारी की हर फिल्म को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है और उम्मीद है फिल्म इस सप्ताह में आने वाले दिनों में भी बहुत संतोषजनक बिजनेस करने वाली है और ये फिल्म सफल साबित होगी, क्योंकि इस फिल्म की सभी ने खूब तारीफ की है। फिल्म स्टार लोग भी इस फिल्म को देखने सिनेमाघर में गए थे। तो फिलहाल हम कल्लू की इसी फिल्म से जुड़ी एक खास खबर दिखाने जा रहे हैं, देखिए। भोजपुरी फिल्मों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस सिनेमाघर आनंद मंदिर में आज एक और भोजपुरी स्टार्स की फिल्म रिलीज़ हो गई है। जी हाँ, जहाँ पहले आनंद मंदिर सिनेमाघर में निरहुआ की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बॉर्डर हाउसफुल चल रही थी, तो वहीं आज इस सिनेमाघर में अरविंद अकेला ऑफ कल्लू की फिल्म आवारा बलम रिलीज़ हो गई है, जिसकी जानकारी देते हुए अरविंद अकेला ऑफ कल्लू ने सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो शेयर करते हुए कैप्शन बॉक्स में लिखा कि आज दोपहर हम मिलने आ रहे हैं आनंद मंदिर सिनेमा हॉल, जो कि वाराणसी में है। मैं आ रहा हूं आपके अपनी फिल्म आवारा बलम देखने और आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप लोगों को जरूर आएं और इस फिल्म को देखें और ढेर सारा प्यार दें। वैसे इससे पहले बिहार झारखंड के कई राज्यों में अरविंद अकेला ऑफ कल्लू की ये फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, जिसके बारे में कल्लू ने पहले ही जानकारी दी है। और अब देखना यह है कि अरविंद अकेला ऑफ कल्लू की ये फिल्म बनारस के लोगों का दिल कितना जीत पाती है और उस सिनेमाघरों में जितने भी भोजपुरी फिल्म लगते हैं वो सभी फिल्में सुपरहिट रहती हैं। खैर, अगर इस समय पर कल्लू की आने वाली फिल्म की बात करें तो अरविंद अकेला कल्लू की फिल्म बब्बर की शूटिंग की पहली शेड्यूल खत्म हो गई है। तो
तो ये थी आज भोजपुरी स्टारों और इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ हलचल भरी खबरें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर से होगी मुलाकात ऐसे ही हलचल भरी खबरों के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्टार्ट योर करियर विद अस।